अगर डायनेस्टी ने लूटा होता मुझे बताइए, फिर मुफ्ती साहब के साथ कैसे बैठे ये हुकूमत करने? वो भी तो लूटर था। महबूबा मुफ्ती साहब कैसे बैठे? वो भी तो लूटर था। क्या कहते हैं इनसे? मेरी तरफ से कहिए कि एक उंगली जब हमारी तरफ दिखाते हैं, तीन उंगलियां इनकी तरफ भी दिखा रही हैं। सबसे बड़े लूटर ये हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटने की कोशिश की। ये भारत को एक नहीं रखना चाहते, ये भारत को तोड़ना चाहते। आज इनने पाकिस्तानियों को छोड़ा, जो मुल्क के दुश्मन थे। क्या भूल गए ये? कंधार ले गए, किसको ले गए? मौलाना आजहर को, जिसको हमारी पुलिस ने बहुत मुश्किल से पकड़ा था। लटरम, जिसे मेरे चचेरे भाई को गोली मार दी थी। मेरे MLA मोहम्मद शफी साहब को घर से निकल गोली मार दी थी, उन्हीं को ले गए ना। क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं, ये अपनी कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं धोखा देके। फारूक साहब, PDP का इल्ज़ाम है कि अलायंस में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अपनी पार्टी के कैंडिडेट ने उमर साहब को बड़गाम में सपोर्ट किया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लोग बहुत सी बातें करते हैं, कौन किसको सपोर्ट करता है वो बात बताएं। 8 तारीख को आपके सामने सबको नतीजे आ जाएंगे। और कहिए सर, प्राइम मिनिस्टर